हेलो दोस्तों, बात करते हैं अक्षय कुमार की, जो इन दिनों काफी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार अपने एक गुटके की एड की वजह से आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं और अब दिग्गज एक्टर अक्षय कुमार ने अपने फैंस से माफी भी मांगी है। तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको पूरी खबर। दोस्तों, अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है और बताया है कि वह अपने फैंस की भावनाओं की कदर करते हैं और इस विज्ञापन से अपने कदम वापस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये एड विमल एड के बारे में बात की जा रही है। इस एड में अक्षय कुमार के साथ अजय देवगन और शाहरुख खान भी नजर आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन पिछले काफी लंबे समय से इस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अभी नए अक्षय कुमार की भी इस एड में एंट्री हुई थी, जिसके बाद से ही अक्षय कुमार के फैंस उनको लगातार ट्रोल कर रहे हैं और अक्षय कुमार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय कुमार हमेशा ही सोशल मुद्दों पर बात करते हुए और फिल्में बनाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में उनके गुटखा कंपनी के साथ हाथ मिलाना उनके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी किया और उसमें लिखा, मेरे सभी फैंस और शुभचिंतकों से मैं माफी मांगना चाहूंगा। कुछ दिनों से आपकी प्रतिक्रियाओं ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। हालांकि मैंने कभी तमाकू को इंडोर्स नहीं किया है और ना ही आगे करूंगा। विमल इलायची से मेरे एसोसिएशन के बाद आपकी भावनाओं की मैं सराहना करता हूँ, इसलिए पूरी विनम्रता के साथ मैं अपने कदम वापस लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार ने अपने इस माफीनामे में अपने कदम वापस लेने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि वो इस एड से और इस कंपनी से और लंबे समय तक नहीं जुड़ेंगे। इसके साथ ही अक्षय कुमार ने कहा है, मैंने फैसला लिया है कि इस विज्ञापन से हासिल हुई मेरी सारी रकम मैं दान कर दूंगा और एक नेक काम में लगाऊंगा। हालांकि मेरी माफी के बाद तमाकू ब्रांड आगे भी इस एड को इस्तेमाल करेंगे जब तक कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट की लीगल सीमा पूरी नहीं हो जाती, लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं आने वाले टाइम में सोच समझकर अपने विकल्पों को चुनूंगा और इसके बदले में मैं आप सभी के प्यार और शुभकामनाओं का हकदार हूं जो मैं आपसे चाहता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले अजय देवगन ने इस विज्ञापन के लेकर अपना पक्ष रखा था और कहा था कि जब आप कोई विज्ञापन करते हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, तब आप ये देखते हैं कि कितना नुकसान करता है या नहीं। अगर मैं खुद के लिए बात करूं तो मैं एक इलायची का विज्ञापन करता हूं, एक्टर ने बोला। मेरा मानना है कि दिक्कत एड में नहीं है, अगर कोई चीज इतनी ही गलत है तो फिर वो बिकनी ही नहीं चाहिए, लोग उसे क्यों खरीद रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस एड में अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान भी नजर आए थे और साथ ही भारत के सर्वोच्च अवार्ड से इन तीनों को ही नवाजा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ही एक्टर पद्मश्री अवार्ड के हकदार हैं और इसके बावजूद उनकी ऐसी एंडोर्समेंट करना उनके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन की, टॉलीवुड एक्टर अल्लू अर्जुन को भी एक विज्ञापन कंपनी ने ऐसे ही गुटके की एड के लिए ऑफर दिया था, जिसके लिए उनको काफ़ी सारे पैसों का ऑफर दिया गया था, लेकिन अल्लू अर्जुन ने बिल्कुल मना कर दिया और इसके बाद फैंस अल्लू अर्जुन की काफ़ी तारीफ कर रहे थे और साथ ही इन तीनों एक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा आलोचना कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय कुमार के इस कदम के बाद उन्हें काफ़ी सारे मीम्स का भी सामना करना पड़ा। हालांकि अब अक्षय कुमार ने अपने इस एड से कदम वापस ले लिए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या फैंस उन्हें माफ़ कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्म बीट।